हमने शेयरिंग सेशन शुरू किए हैं और इसी कड़ी में आज भगवान भैया की शेयरिंग है। तो मैं भगवान भैया को आमंत्रित करती हूँ ताकि वो अपनी शेयरिंग को रख सके। इससे पहले कि भैया अपनी शेयरिंग रखे, मैं उनका परिचय रख देती हूँ। हम सभी भैया को जानते ही हैं। तो भैया पिछले 32 साल से गणेश सर के साथ जुड़कर UHV को समझने और उस आधारित जीवन शैली पर स्वयं से लेकर परिवार, समाज, प्रकृति एवं समस्त अस्तित्व को समझने जीने का प्रयास कर रहे हैं। और भैया अपनी पूरी फैमिली सहित इस पूरी वर्क में सहभागी हैं। अरुणा दीदी भी हैं जो अपने समर्पण के साथ सेंटर में काम कर रही है नौगांव में। और भैया का बड़ा बेटा अरुणोदय भी कानपुर में शिविर के बाद सहयोगी है। और भैया और दीदी दोनों प्रोएक्टिव वॉलंटियर हैं। मुझे ध्यान है कि हमने भैया की बेटी संगमित्रा जी की भी शेयरिंग सुनी थी, तो उनसे भी हम सभी लोग काफी कनेक्ट कर पा रहे थे। तो भैया का स्वागत करते हैं। भैया जी दीदी, थैंक्स। सभी को नमस्ते। पहले अरुणा जी शेयरिंग करेंगी, इसके बाद अरुणोदय करेगा, फिर मैं। अरुणा जी तक माइक पहुंच गया है? जी जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है दीदी, नमस्ते सभी को। आवाज आ रही है? आपकी भी आ रही है? जी दी भैया, दीदी की आवाज क्लियर है। जी दीदी, नमस्ते सभी को। मेरा नाम अरुणा परमार है। मैं नौगांव छतरपुर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं अपने नौगांव के सेंटर में रह रही हूँ इस समय परिवार सहित। ये मेरा मैं 10th बैच मॉर्निंग सेशन के 10th बैच की शेयरिंग कर रही हूँ। मैं शुरू से 1st बैच से ही मैं इसमें जुड़ी रही हूँ। और उपलब्धि के रूप में मैं देखती हूँ कि मॉर्निंग सेशन से मुझे जो उपलब्धि हुई है, तो मैं देखती हूँ कि मेरा ध्यान अपने तरफ गया है पूरी तरह से। जो पहले फैलता था चारों तरफ और मैं अपने पे फोकस पूरा कर नहीं पाती थी, तो ये मेरा सबसे बड़ी उपलब्धि मॉर्निंग सेशन से रही है। 2018 से मैंने अभ्यास सत्र को शुरू किया करना, जब कानपुर संस्थान में मैंने गणेश सर के सानिध्य से ऑफलाइन किया था। उसके बाद से मॉर्निंग सेशन से मुझे बहुत ही सहयोग मिला अपने तरफ पूरा ध्यान फोकस करने का, और ये हो भी पाया। तो जब मैं पहले की स्थिति को अपने देखती हूँ और आज की देखती हूँ, तो मैं मुझ में एक विश्वास बनता है कि मेरी काफ़ी अच्छी गति है और इसमें मॉर्निंग सेशन का बहुत ही सहयोग रहा है मुझे हर दिन निरंतरता को बनाने में। तो अभ्यास एक की बात अगर मैं करूं, तो अभ्यास एक जिसमें मैं चेतन निकाय को का अध्ययन कर रही हूं जीवन का। स्टेप वन में मैं स्वयं से स्वयं को देखने में मेरा जो ध्यान है वो काफ़ी समय तक बना रहता है, और ये मैं देख पा रही हूँ कि पहले से अब मेरा ध्यान कितना समय तक टिकता है। और मैं ये भी देख पाती हूँ कि अब ध्यान वहाँ से हटता ही नहीं है, बहुत कम स्थिति में हटता है, उसे भी मैं देख पाती हूँ। तो ये मेरा परिमार्जन है जो पहले बैच से लेके 10वें बैच तक मेरा हुआ है, इसको मैं देख पाती हूँ। स्टेप 2 में मैं भाव विचार को भी देख पाती हूँ अपने पूरे समय, या कहें कि अधिकांश समय मैं देख पाती हूँ। स्टेप 3 में सहज असहज हैं, सुखी दुखी हो रही हूँ, इसको भी मैं देख ही पाती हूँ अच्छे तरीके से। जो पहले मेरे लिए बड़ा कठिन था देखना शुरू के सत्रों में, वो अभी बहुत आसान हुआ है। मैं हर एक काम को करते हुए, हर समय अपने को देखते हुए कार्य व्यवहार या जो भी कर रही हूँ वो कर पाती हूँ। तो ये मेरी उपलब्धि रही है, परिमार्जन रहा है। स्टेप 4 में मैं देखती हूँ कि निर्णय तो मेरा ही है। जो भी मुझ में भाव विचार चलते हैं वो उसका सभी का निर्णय तो मेरा ही है। अब जब ये बात मुझे समझ में आती है, तो मेरे में एक शिफ्ट होता है कि जब निर्णय मेरा ही है, इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो फिर मैं सुखी सुखी ही क्यों ना हो, मैं सहज ही क्यों ना हो, मैं असहज विचार क्यों चलाऊं। तो सही समझ के साथ
मैं इन विचारों को अपने देख पाती हूँ अभी भी। कभी थोड़ा बहुत ऐसे विचार भी चलते हैं तो ध्यान जाता है कि ये इसकी सार्थकता नहीं है, और वो शायद बहुत कमजोर होते हैं वो विचार हमारे, जो अब बहुत उसकी गति तेज नहीं होती है कि मैं देख ना पाऊँ, मैं होश में ना रहूँ और वो चल जाए। ऐसा अभी तो मेरी स्थिति ऐसी है जो मैं देख पा रही हूँ कि वो जो विचार गैर सार्थक मेरे अंदर आते हैं कभी, मैं उनको देखती हूँ, ध्यान देती हूँ तो पाती हूँ कि उनकी स्थिति बड़ी कमजोर है। वो बहुत गति नहीं है उनकी कि वो हम पे हावी हो और वो चल जाएं और मुझे लगे कि अपने आप चल रहे हैं, ऐसा मैं देख पाती हूँ। स्टेप 5 में मैं देख पाती हूँ कि जो भी भाव विचार मुझ में चल रहे हैं इनका आधार क्या है, समझ या मान्यता। तो ये तो समझ बनी है कि स्वयं को समझना है, अस्तित्व रूपी वास्तविकताओं को समझना है और मानवीयतापूर्ण आचरण को समझना है। इस समझ के साथ मैं अधिकांश समय बनी रहती हूँ, ये ध्यान मेरे अंदर बना रहता है। और एक-एक मान्यता अपने संस्कार पे मेरा ध्यान भी जाता है कि कौन सा सार्थक है और कौन सा गैर सार्थक। तो इस तरह से मेरे जो भी भाव विचार चलते हैं उनका आधार अब काफी हद तक समझ पे ही है, पर अभी भी मैं सजग बनी रहती हूँ। कई बार मैं देखती हूँ मेरे वो संस्कार जागते हैं जो पुराने हैं, मुझे लगता है कि पूरे साफ हो चुके हैं, पर अभी भी उनमें लगातार हर दिन सुबह से शाम तक जब मैं कोई भी कार्य व्यवहार करती हूँ तो मैं उसको देखती हूँ। और इसमें अब मुझे सफलता भी मिली है, कोई कठिनाई नहीं हो रही है कि मैं उन संस्कारों को अपने देख ना पाऊँ या वो जो आए तो वो बने रहें, ऐसा नहीं होता। उन पर ध्यान बना रहता, मेरी सजगता बढ़ी है। स्टेप 6 में मैं देखती हूँ कि मुझे सहज स्वीकार क्या है। तो मुझे संबंध ही सहज स्वीकार है, विरोध नहीं, व्यवस्था ही सहज स्वीकार है, अव्यवस्था नहीं, और सह अस्तित्व ही स्वीकार है, संघर्ष नहीं। इस और भी बहुत अच्छे से मेरा ध्यान गया है। और मुझे जो अपने पहले की अगर मैं बात करूं तो पहले जो भी मेरा जीना मुझे सहज लग रहा था, संघर्ष में जीते हुए भी उसको मैंने स्वीकार किया था और उसका जो दुख था उसको मैं अभी देख पा रही हूँ कि तब मैं कैसा जी रही थी और आज मैं कितनी सहजता के साथ सह अस्तित्व पूर्वक जब जीते हैं तो बड़ा सहज होता है, बड़ा आराम में रहते हैं। तो जितना जितना समझ रहे हैं उससे कम में जीना हो पा रहा है, पर हो पा रहा है, और मुझे लगता है ये बहुत आसान है मेरे लिए। और एक विश्वास भी मेरा बना है कि अब मैं आगे भी इसको और बढ़ पाऊंगी। तो स्टेप 7 में मैं देख पाती हूँ कि ये मेरी आवश्यकता है, संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व को समझना और उसमें जीना। और ये काफी समय तक होता है, अभी काम शेष है, पर काम तो हर दिन धीरे धीरे अनवरत चलने वाली प्रक्रिया मुझे लगती है ये होगी, पर मैं आराम में रह के इसको बहुत आसानी से कर पाती हूँ। तो इतनी बात मेरी पहले स्टेप पे थी। अभ्यास 2 मैं देख पाती हूँ, मैं जड़ इकाई का अध्ययन कर रही हूँ जिसका उदाहरण शरीर है, और शरीर और जीवन दोनों ही मुझे उपलब्ध हैं। तो मैं इन तीनों वास्तविकताओं पर मेरा ध्यान जाता है कि जड़ इकाई, चेतन इकाई और शून्य जो अस्तित्व में है, तो इधर मेरा ध्यान भी जाता है और इसको मैं देख भी पा रही हूँ जितना ध्यान देती हूँ। स्टेप 1 में मैं स्वयं से शरीर को देख पाती हूँ। तो इधर अब मैं बताना चाहूंगी कि पहले जिस तरह से मैं शरीर को देखती थी वो शायद बड़ा संघर्षपूर्ण था। अभी जो मैं शरीर को देख पा रही हूँ, स्वयं को देखते हुए, स्वयं में बने रहते हुए जब मैं शरीर को देखती हूँ तो मैं शरीर को भी देख पाती हूँ। पहले तो शरीर को मैं बहुत सारी जगहों पे इग्नोर करती थी, चाहती तो थी कि मैं शरीर मेरा स्वस्थ रहे, शरीर मेरा आराम में रहे, शरीर मान के ही जीना हो रहा था। उसके बाद भी मैं शरीर के साथ ही बहुत सारी ऐसे कार्य क्रियाकलाप करते थे कि जिससे शरीर का ही नुकसान हो रहा था। और समझ के अभाव में हम सबसे ज्यादा नुकसान तो अपने ही जीवन की समझ के अभाव में शरीर का ही सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हमने स्वयं को समझा है तो हम अपने शरीर को भी समझ पा रहे हैं, उससे जो भी सूचनाएं आती हैं उनको हम पढ़ते हैं बिना इग्नोर किए,
जो आवश्यक लगती हैं उन पे हम काम भी करते हैं और शरीर के पोषण के लिए ध्यान जाता है, वही मेरा स्वाद भी होता है। ऐसा नहीं है कि जो शरीर के पोषण के लिए हो और मेरे मन में कुछ और चले। तो अभी तो मन और शरीर का जो एक सूत्रता है उस पे ध्यान गया है और वो हो पा रहा है थोड़ा थोड़ा, पर लगता है कि इसको मैं आगे कर पाऊंगी। स्टेप टू में मैं देखती हूँ कि शरीर और जीवन के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है और शरीर से एक सूचना मिलती है, जो संवेदना आती है उसको जीवन चाहे तो पढ़े और जीवन चाहे तो ना पढ़े। वो दोनों तरफ से सूचना को पढ़ना और संकेत को देना, दोनों तरफ से ये मैं देख पाती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है वो दोनों में हो रही है। शरीर से कोई सूचना जाती है पर सेल को चाहे तो पढ़े नहीं तो नहीं पढ़े। तो इन दोनों के बीच में सूचनाओं का आदान प्रदान होता है और निर्णय तो सेल्फ का ही है, ये भी दिखता है। स्टेप थ्री में मैं देखती हूँ कि निर्णय तो मेरा ही है, मैं ही सूचनाओं को पढ़ता हूँ और निर्णय पूर्वक उस पर संकेत देता हूँ कार्य व्यवहार के लिए। तो स्टेप थ्री। स्टेप फोर में मैं देखती हूँ कि मैं संवेदना हूँ या मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं संवेदना तो नहीं हूँ, क्योंकि एक तो ये स्पष्टता है कि दोनों अलग अलग तरह की वास्तविकताएं हैं, जीवन और शरीर। इस माध्यम से भी स्पष्ट होता है कि एक कंटिन्यू यूनिट है और एक टेम्परेरी। तो ये संवेदना तो शरीर में है, हो रही है, और जो उसको पढ़ने का काम है, सुखी दुखी होने का काम है, अर्थ देने का काम है, ये जीवन का है। तो इधर भी मेरा ध्यान जाता है कि मैं संवेदना नहीं हूँ, मेरे और संवेदना के बीच में दूरी है। अभी दूरी को भी देख रही हूँ, पूरा तो नहीं देख पाई हूँ, पर ध्यान इस पे बना रहता है। जब भी भोजन करती हूँ तो मैं देखती हूँ कि संवेदना तो भूख की है, पर इसमें जो मन है अगर उसका भी स्वाद शामिल नहीं होता, वो कहीं इधर उधर भटक जाता है, तो वो कुछ भी खाता है, शरीर को भी कुछ भी समझ के अभाव में कोई भी निर्णय देता है कि ये खाओ। तो छाले भी होते हैं तो भी मिर्च का भोजन कर रहा है। तो इस तरह से दिखता है कि संवेदना और मेरे बीच में दूरी है, और इनका बहुत वैसा हमारा संबंध भी मैं देख पाती हूँ जो बड़ा स्पष्टता से दिखता है जीवन और शरीर का। स्टेप फाइव में मैं देखती हूँ कि जो भी सूचनाओं का निर्वाह है वो मैं कैसे करती हूँ, जो बाहर से सूचनाएं आ रही हैं उसको मैं कैसे अर्थ देती हूँ। तो अर्थ तो देने का काम जीवन का ही है, ये भी देख पाती हूँ कि जो भी सूचना आती है उसको मैं क्या अर्थ देता हूँ, और उस अर्थ के आधार पे फिर मैं सुखी या दुखी होता हूँ। तो सही समझ के साथ जब मैं किसी सूचना को पढ़ता हूँ, अर्थ देता हूँ, तो मैं सुखी रहता हूँ, और समझ के अभाव में जब मैं किसी सूचना को पढ़ता हूँ, आने वाली संवेदना को पढ़ता हूँ, तो मैं दुखी होती हूँ, परतंत्र होती हूँ। तो ये तो दिख पा रहा है कि अब कोई भी बाहर की सूचना जो आती है, चाहे वो मौसम की हो, वातावरणीय प्रभाव हो, या शरीरगत कोई सूचना हो, या विचार जो चले हैं समझ के अभाव में, उनकी कोई भी सूचना हो उनका मैं मूल्यांकन कर पाती हूँ और मैं समझ पूर्वक बहुत आसानी से उनको देख पाती हूँ कि यहाँ पे मुझे क्या निर्णय लेना है, उस पे मैं समय लगाती हूँ, और मैं अपने आप में बने रहते हुए मैं सुखी रहती हूँ। कभी अगर गलत अर्थ भी दे दिया और दुखी भी हो गई तो उसमें भी परेशान नहीं होती हूँ, देख पाती हूँ ये मेरे हाथ में है। अगर मैं दुखी हुई हूँ तो मैं सुखी भी हो सकती हूँ, और वो भी हम कर पाते हैं। तो ये मेरे में हुआ है। स्टेप सिक्स में मैं देखती हूँ कि मैं प्रतिक्रिया पूर्वक प्रस्तुत होती हूँ या स्वतंत्रता पूर्वक। तो जब मैं समझ के साथ कोई भी कार्य व्यवहार करती हूँ तो मैं स्वतंत्र होती हूँ, सुखी होती हूँ, और जब मैं कोई समझ के अभाव में करती हूँ तो बाहर प्रतिक्रिया करती हूँ, और उस प्रतिक्रिया से जो भी प्रभाव आता है उसे दुखी होती हूँ और दुखी करती भी हूँ। तो ये स्टेप सेवन में मैं देखती हूँ कि मैं शून्य में हूँ, मेरा शरीर भी शून्य में हूँ है, और ये तीन तरह की वास्तविकताएं हैं जो मुझे पूरे अस्तित्व में, सह अस्तित्व
पूर्वक दिख रही हैं, तो मुझे सह अस्तित्व को समझना है। व्यापक मैं, मेरा शरीर भी है और मैं भी हूँ। तो अभी ये ध्यान में जा रहा है सूचना के तौर पे। अभी बहुत हल्कापन लगता है जब मैं इस बात को अपने में देखने का प्रयास करती हूँ कि शून्य है और शून्य के सह अस्तित्व में मैं और मेरा शरीर बना हुआ है। तो इस तरह से इतना मेरा ये अभ्यास को लेके मेरी ये शेयरिंग थी। थोड़ी सी और बात करूंगी कि इस अभ्यास को करते हुए, स्वयं को समझते हुए, जितना जितना मेरे में स्वभाव में रह पा रही हूँ, उतने में मैं देख रही हूँ कि जो मेरे विचार से एक थकान मैं महसूस करती थी, जिसका असर मेरे शरीर पे और स्वास्थ्य पे भी जाता था, वो अब काफी कम हुआ है। और मैं देख पा रही हूँ कि ज्यादा थकान तो हमारे विचारों, गैर सार्थक जो विचार मेरे चल रहे थे उस पर मेरा ध्यान नहीं जा रहा था, उस पे उससे मुझे हो रही थी कि मैं, ऐसा लगता है मुझे कि मैं बहुत हल्की हुई हूँ अंदर से, बहुत सहज बनी रहती हूँ, और विचार भी ऐसा लगता है कि जैसे बहुत कम हुए हैं। तो ऐसा मुझे लगता है, एक हल्कापन, दिन भर एक ऊर्जा मुझे अंदर से ऐसा महसूस होती है। अभी वो देख नहीं पा रहे हैं कि उसका कारण क्या है, पर ऐसा मुझे लगता है। तो इतना मेरे में अभी काम हुआ है, मेरी गति हुई है, जिसकी मैंने यहाँ पे अपनी बात रखी। तो मेरी शेयरिंग पूरी हुई। धन्यवाद सभी को। नमस्ते जी। दीदी आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है? ठीक जी, आ रही है आपकी आवाज। है। मेरा नाम अरुणोदय है और मैं इंजीनियर हूँ और अभी जीवन विद्या से कई शिविर इसके कर चुका हूँ। जैसे अभी हाल ही में 2 शिविर कानपुर में किए और उसके पहले। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मैं मानता हूँ वो ये रही कि जब मैं 7 वर्ष का था, 8 वर्ष का था, तब पहली बार मैंने इसको सुना था। तो कंटेंट वाइज कितना मेरे अंदर आया था ये तो नहीं कहा जा सकता, पर सबकॉन्शियस में एक मोटा मोटा जो आइडिया है वो कहीं ना कहीं छाप छोड़ गया था। और उसी का कारण है कि आज जितने भी शिक्षा व्यवस्था में हम चीज़ें देख रहे हैं तो एक लिंकेज बिठाल पाते हैं। मैं उदाहरण के रूप में अपनी बात रखना चाहूँगा। मैं मानता हूँ कि आज जो भारत का शिक्षा व्यवस्था या पूरे विश्व की जो शिक्षा व्यवस्था है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में काम करती है। हर बच्चे के अंदर एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा दिया जाता है कि मटेरियलिस्टिक सक्सेस ही आपके जीवन की सक्सेस को डिफाइन करेगी। और इसी मटेरियलिस्टिक चेज में पूरे विश्व की जो जनसंख्या है, आबादी है, उसे ही अर्जित करने में हर कोई अपने जीवन को खपा दे रहा है। तो मैं मानता हूं कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम, चूंकि मैं भी उसी शिक्षा व्यवस्था से गुजरा तो मेरे अंदर भी वो फिट किया गया, पर चूंकि 7 वर्ष की उम्र में यूएचबी से सामना हो गया था तो वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसका प्रभाव काफी हद तक कम हो गया। और यही कारण है कि आज इस विधि को और बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। और सही शिक्षा क्या हो, ये सवाल अंदर है। तो सबसे बड़ी शिक्षा तो यही होगी कि हर व्यक्ति अपने जीवन को समझे, क्योंकि आज का जो ज्ञान है, आज जितनी भी शिक्षा के नाम पे हम जो ज्ञान देते हैं वो तो सारा ज्ञान बाहर की व्यवस्था को समझने का है। वो भी शिक्षा का एक आयाम हो सकता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आयाम तो खुद को समझना है। तो खुद को समझने की शिक्षा ये जो यूएचबी की है, इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल मैं अपने जीवन में समझ पा रहा हूँ। और अस्तित्व के साथ क्या मेरी मेरा संबंध है, इस पे एक गहरा जो अनुभव है और जो मेरा नजरिया है वो बना है। जैसे कि हम देख पाते हैं कि अस्तित्व में हर इकाई व्यवस्था में है। हम बीज लगाते हैं तो पेड़ उगता है, फसल उगती है, रात होती है, दिन होता है, मौसम बदलते हैं। लेकिन इस अस्तित्व में आज अगर देखें तो मानव ही है जहाँ पे सबसे ज्यादा अगर कोई चीज अव्यवस्था है वो देखने को मिलती है। तो मानवकृत अव्यवस्था से व्यवस्था की ओर ले जाने में यूएचबी का जो पूरा का पूरा एक करिकुलम है उसका एक बहुत बड़ी भूमिका है। और
हर व्यक्ति अपनी व्यवस्था को समझे, ये यूएचबी बड़े बखूबी तरीके से करना सिखाती है और देखना सिखाती है कि आपके अस्तित्व में क्या व्यवस्था है। तो मेरे लिए भी ये चीजें बहुत अच्छे से स्पष्ट हो रही हैं, मैं देख पा रहा हूँ और बहुत अच्छे से इन चीजों को समझ पा रहा हूँ। और जहाँ पे भी मैं जाता हूँ, मैं कई जगहों पे जाके अपनी बात रखता हूँ, तो मैं ये बात कहता भी हूँ कि जो बार बार ये चर्चा होती है कि न्यू ग्लोबल ऑर्डर क्या होगा या अब विश्व में किसकी सत्ता होगी, तो वो अगर अब कुछ होना चाहिए तो वो ह्यूमन ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि हमने अभी तक तो इस धरती को खोद के, इस पर्यावरण को नुकसान पहुंचा के जितनी भी क्षतियां हो सकती थी वो पहुंचा दी हैं। तो अब अगर यहाँ से हमें कुछ बेहतर करना है और अपने अपने व्यवस्था को समझते हुए कुछ बेहतर करना है, तो हमें ह्यूमन ऑर्डर को स्थापित करना होगा, ह्यूमन व्यवस्थित हो, ये सबसे बड़ा उद्देश्य होगा। तो ये सारी चीजें क्लियर हुई है मेरी अभी हाल ही के शिविर से। और एक और बड़ी बात, जो सबसे बड़ा तो व्यक्ति अपने लक्ष्य के इर्द गिर्द ही घूम रहा है ना, तो ये बात स्पष्ट हुई है कि हमारा जो लक्ष्य है वो लगातार सुखी रहना ही है। तो लगातार सुखी रहते हुए आप हर चीज को कर सकते हैं, और सुखी तो आप अपने विचार से होंगे कि आप कैसे विचार अपने अंदर चलाते हैं। तो अच्छे विचार को चलाते हुए और अपनी व्यवस्था को समझते हुए इस धरती के साथ सहअस्तित्व में जीना, यहाँ तक मुझे समझ में आया है और उसी कोशिश में मैं अपने आपको अपने जीवन को जी रहा हूँ और इसे और बेहतर करता चलूँ। आगे और भी सीखने की जरूरत है, और भी शिविर करूँगा ताकि और बातें स्पष्ट हों और क्लैरिटी और अच्छी व्यवस्था के साथ मैं जी सकूँ। और क्या बेहतर हो सकता है इसको लेते हुए शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से, ताकि पूरी पूरा विश्व इस व्यवस्था को समझे और इस व्यवस्था में जीना शुरू करे, इसको लेके भी मैं अपनी भूमिका देख रहा हूँ। धन्यवाद। जी, ये अरुणोदय जी की शेयरिंग थी। अब दीदी मैं प्रारंभ करूं? जी जी भैया जी, स्वागत है आपका। सभी को नमस्ते। मैं जहाँ तक है परिचय तो मेरा हो गया है, मैं भगवान सिंह परमार हूँ और सर के सानिध्य में लंबे समय से रहा हूँ। और धीरे धीरे ये बात पकड़ में आई कि जीना तो यही है, और जब हम सही समझ के साथ जीते हैं तो ही हम सुख की निरंतरता की ओर बढ़ पाते हैं। अच्छा तो हो ही गया है। मैं अपने को देखता हूं कि ये बातचीत तो बहुत पहले से मेरे पास आ रही थी, लेकिन वो शब्दों के रूप में थी, या कुछ अच्छे शब्द मिल जाते थे और लगता था कि उसका भी एक अपने प्रकार का एक आस्वादन होता था शब्दों का। लेकिन धीरे धीरे ये शब्द जैसे जैसे घुले, वैसे वैसे एक बहुत ही अपने में एक एक तो स्वयं में एक स्थिति बनी कि शांति, जो उग्रता थी, वो उग्रता धीरे धीरे डाइल्यूट होती गई और अपने में एक काफी शांति देख पा रहे हैं, स्वयं में एक सुकून देख पा रहे हैं, और अब अंदर से एक समाधानात्मक योजनाएं बनने का काम भी शुरू हुआ है। तो ये अपने में देख पा रहे हैं। जहां तक स्टेप की बात है, तो स्टेप में मेरा ये 10वां बैच है और मैं देख रहा हूं कि ये जितने भी स्टेप बनाए गए हैं ये बड़े तकनीकी हैं और कहीं ना कहीं टूल्स के रूप में है, कि जो मुझे स्वयं में प्रवेश कराते हैं और स्वयं को समझने का और बॉडी को समझने का, या जड़ और चेतन दोनों को समझने का एक हमको अवसर देते हैं। तो अगर मैं स्टेप को भी जहां तक मैंने समझा है उसको मैं रखने जा रहा हूं, तो ये है कि जो अभी मेरे इस क्षण मेरे में चल क्या रहा है, भाव के रूप में कल्पनाशीलता जो मेरी चल रही है उसमें क्या चल रहा है ना, इच्छा विचार आशा मेरी चल रही है। तो जब मैं ये देखने जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि कल्पनाशीलता में मैं कभी सुखी हो रहा हूँ, कभी दुखी हो रहा हूँ।
कभी सहज हो रहा हूं, कभी असहज हो रहा हूं। तो ये असहजता और सहजता को मैं देख पा रहा हूं, तो मुख्य काम तो यही निकल के आया कि मुझे देखना है। तो मुख्य बात यह है कि मुझे समझना है, समझने के लिए मुझे देखना है, और देखने के लिए मुझे ध्यान देना है। तो भावों को देखने का जो काम है वो जैसे जैसे मैंने शुरू किया तो मैं देख पाता हूँ कि मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है, और जैसे जैसे मैं ये देख पाता हूँ तो मैं ये भी देखता हूँ कि मेरे में चेंज होने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो जाती है। तो मैं सहजता असहजता को देख पाया, मैं सुखी दुखी होने को देख पाया, फिर मैं ये देख पाया कि ये इसका निर्णय कौन लेता है, मैं लेता हूँ या बाहर की कोई परिस्थिति लेती। तो ये तय हुआ जैसे ही कि इसका निर्णय तो मैं ही ले रहा हूँ। तो अभी जो बाहर बहुत कुछ करना है, बाहर बहुत कुछ फैलाव है, और बाहर से जो प्रभावित होने का काम था या दबाव में आने का काम था, वो कहीं ना कहीं फिक्स हो गया कि नहीं, इसका निर्णय मैं ही ले रहा हूँ, तो इसका जिम्मेदार भी मैं ही हूँ और 100% जिम्मेदार मैं हूँ। तो जैसे जैसे मेरी जिम्मेदारी फिक्स हुई कि अपने पर काम करने का जो संकल्प है वो दृढ़ हो गया कि भाई यही है जो मुझे अपने पर काम करना है। अगर मैं देखूं कि इसका आधार क्या है, ये जो मैं भाव चला रहा हूँ ना, इससे जिससे मैं सहज हो रहा हूँ असहज हो रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि इसका आधार जब सहज स्वीकृति है तब मैं सुखी रहता हूँ, और जब मान्यता या उसमें तो मैं सुखी दुखी हो सकता हूँ। तो ये भी बात पकड़ में आई कि अगर मैं जब सहज स्वीकृति के आधार पर निर्णय ले रहा होता हूँ या उसमें बना हुआ हूँ, तब मैं सुखी रहता हूँ और सुख मेरी चाहना भी है। तो ये बात पकड़ में आती है। फिर जैसे ही मैं स्टेप 5 की ओर जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि मुझे स्वीकृत क्या है, संबंध स्वीकृत है, कौन सा भाव स्वीकृत है, संबंध का भाव या विरोध का भाव, अव्यवस्था का भाव या व्यवस्था का भाव, संघर्ष का भाव या सहअस्तित्व का भाव। तो वहां भी ये बड़ा स्पष्ट हुआ है कि मुझे संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व का भाव ही स्वीकृत है, बाकी मुझे विरोध स्वीकृत नहीं है, भले मैं उसे कर रहा हूं अभ्यास बस। तो इस पर भी एक गहरा काम हुआ है कि मैं संबंध व्यवस्था और सहअस्तित्व के लिए संकल्पित हुआ हूं, और विरोध अब दिखने लगा है, अभी कभी आता भी है तो वो दिख जाता है और जल्दी ही हम उससे निकल भी पाते हैं, और उस पे जो हम एक्शन लेते थे वो एक्शन भी बंद हुआ है। पहले विरोध आया और विरोध से जो आवेश उत्पन्न हुआ, उस आवेश पर हम तुरंत क्विक एक्शन लेते थे, वो सब चीजों में एक चेंज आया है। तो व्यवस्था भी दिखी है, और अभी व्यवस्था जो बहुत ही छोटे दायरे में दिख रही थी वो अब फैल कर ये जो पूरी संपूर्ण अस्तित्व में जो व्यवस्था है, सृष्टि के रूप में जो व्यवस्था है, प्राकृतिक जो व्यवस्था है वो भी दिखी है, और वो नियम के रूप में दिखी है कि किस प्रकार से पदार्थावस्था, प्राणावस्था, जीवावस्था और मानव या ज्ञानावस्था वो नियम के तहत चल रहे हैं। तो ये भी स्पष्ट हुआ है। आगे मैं बात करूं कि संबंध व्यवस्था और सहस्तित्व ही मुझे सहज स्वीकृत है, और इस क्षण जो मैं अपने में सुखी रह पाता हूं तो मैं हर क्षण सुखी रह पाऊं, इसके लिए संकल्प बना। तो अभी जो और प्रोग्राम थे, मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े हुए प्रोग्राम थे, बच्चों को लेकर के जो चिंतन चलता था, और जो भी अभी समाज से हमें मिला था, वो धीरे धीरे सिमट करके और एक ही जगह आ गया है। वो आ गया है कि मैं निरंतर सुखी कैसे रह सकूं। मतलब अगर इस क्षण में भाव में सुखी हूं तो हर क्षण सुखी मैं हो सकता हूं। तो ये जो प्रोग्राम है, एक तो अपना लोकेशन स्पष्ट हुआ कि मैं अभी था कहाँ, शरीर में था, शरीर संवेदना सुविधा संबंध है ना, या सहस्तित्व, मेरा लोकेशन क्या था। तो एक तो अपने में लोकेशन स्पष्ट हुआ,
फिर उसकी ये स्पष्टता भी बनी कि मुझे निरंतर सुखी होना है। तो जो और लक्ष्य थे, या जो लक्ष्य कहें या पोगाम था, अभी तो वो पोगाम थे, उन्हें मैं लक्ष्य माने हुए था, वो सारे लक्ष्य सिमट करके एक ही जगह पहुंच गए कि मुझे निरंतर सुखी होना है। और निरंतर सुखी होने के लिए मेरी समझदारी, जिसे कहेंगे पूर्ण समझदारी, तो मुझे समझदार बनना है। और समझदार समझदारी के आधार पर जो इस क्षण में सुखी हूं भावों के रूप में, वो मुझे हर क्षण सुखी होना है। तो अभी मैं देखता हूं कि जहां से हमारी समझदारी होती है, वहीं से हमारे भाव बनते हैं। तो जब मैं साक्षी भाव या शुद्ध दृष्टा की स्थिति में होता हूं, तो इस पे काम चल रहा है, अभी ये पूरा काम नहीं हुआ है, लेकिन मैं देख पाता हूं कि उसका मुझे कुछ एक वो तो मिलने लगा है कि जब मैं अपने में बह रहा होता हूं, तब मेरे अंदर विरोध नहीं चलता है, तब, और जब विरोध नहीं चलता है तो दुख भी नहीं आता है। तो मुझे ये स्पष्टता बनी है कि जैसे जैसे मैं अपने को शुद्ध दृष्टा की ओर ले जाऊंगा, समाधानित जीवन शैली की ओर जाऊंगा, वैसे वैसे मैं निरंतर सुखी हो पाऊंगा। और निरंतर सुखी होकर ही हम दूसरे को भी सुखी करने में सहयोगी हो पाएंगे। कोई भी दुख फैला करके किसी को सुखी नहीं कर सकता। तो ये यहाँ पर मुझे लक्ष्य की स्पष्टता हुई है। इससे ये भी स्पष्ट हुआ है कि अब मैं संबंध व्यवस्था और सह अस्तित्व में को समझने और जीने के लिए लगातार संकल्पित रहूं। तो ये इस अध्याय अभ्यास एक की बात हुई। अभ्यास दो को देखूं मैं, तो दो अलग अलग आइडेंटिटी की बात हो रही है, दो अलग अलग वास्तविकताएं हैं। पहले तो हम इनको एक ही माने हुए थे कि मैं सिर्फ बॉडी हूं या शरीर हूं, लेकिन जैसे जैसे यूएचबी का अध्ययन हुआ है, तो दोनों को तार तार करके देख पाया कि मैं सेल्फ के रूप में अलग हूं, वहां पर मेरी नीड्स अलग है, और शरीर के रूप में मैं अलग हूं। तो जैसे जैसे ये स्पष्टता बनी है, तो मैं दोनों वास्तविकताओं को देख पाया और उनकी डिमांड जो है ना, यहाँ अगर देखते हैं कि जीवन की मांग क्या है, तो यहाँ पर मांग है कि मैं सही को समझूं और मैं सुखी रहूं। तो जीवन की जो मांग है, वो मैं सुख की निरंतरता में रहूं, हमेशा सुखी रहूं। और शरीर की जो डिमांड है, वो फिजिकल नीड्स के रूप में है। तो दोनों को अलग अलग करके देख पाया। मैं देखता हूं कि मेरे अंदर जो आदान प्रदान हो रहा है संवेदनाओं का, वो उसे मैं देख पा रहा हूं। तो मैं बॉडी हूं, बॉडी के रूप में मैं अलग हूं। संकेत के माध्यम से जो संवेदनाएं आती हैं, उनको मैं पढ़ता हूं, और पढ़ करके किस संवेदना को पढ़ना है, किस संवेदना को नहीं पढ़ना है, इसका निर्णय भी जीवन ही लेता है। तो संवेदनाओं को भी मैं साफ तरीके से अब देख पाता हूँ कि मैं एक एक तो मैं शरीर हूँ, दूसरा मैं संवेदना हूँ, तीसरा मैं सेल्फ हूँ। तो सेल्फ जो है, सेल्फ अपने में अलग है, संवेदनाएं अलग हैं और शरीर अलग है। तो तीनों को अलग अलग करके देख पाता हूँ। और ना तो मैं संवेदना हूँ, ना मैं संवेदना में हूँ, बल्कि मैं अलग हूँ। तो इनकी दूरी को भी हम तीनों की अलग अलग करके देख पाते हैं। जो अभी जो निर्णय भी होता है, वो सेल्फ ही लेता है, किसी भी सूचना को पढ़ने का। अब एक महत्वपूर्ण स्टेप ये है, जो पांच स्टेप 5 है, वो ये कह रहा है कि बाहर से जो हमें संकेत मिलते हैं, तो उससे उससे मेरे ऊपर उसका भी निर्णय कौन लेता है, उसको अर्थ देने का काम कौन करता है। ये सबसे महत्वपूर्ण स्टेप मुझे लगा, और इससे मेरे में बहुत चेंज आया कि अब अगर बाहर से कोई प्रतिकूल सूचना भी आती है, तो अब मैं उसे पढ़ पाता हूं और पढ़ करके अपने हिसाब से अर्थ दे पाता हूं। अब मैं उससे जो पहले आवेश में आता था, वो आवेश में नहीं आता। तो कभी कोई जमीनों के मुद्दे आते थे, कभी कोई बहुत बड़े विरोध आते थे जिनसे मैं लड़ जाता था, अब वहां पर मैं ठहर गया हूं, और इससे मैं अपने में बहुत बड़ा परिवर्तन देख पा रहा हूं।
जैसे जैसे ये परिवर्तन मुझ में हुआ कि मैं देखता हूं कि जितनी बुराइयां थी, जितना मैं अभी दूसरे को बुरा देख रहा था, उसका प्रैक्टिकल एक बहुत बड़ा उदाहरण निकल के आया कि गांव में जो हमारे विरोधी परिवार जिन्हें हम कहते थे, वो सब मित्रवत होते चले गए। तो ये इसका एक प्रैक्टिकल भी उभर के आया कि मेरे ही अर्थ देने पर सुखी होना, मेरा सुखी होना और दूसरे का सुखी होना दोनों टिका हुआ है। अगर मैं बाहर से आई हुई सूचना को सही अर्थ देता हूं तो मैं स्वयं सुखी रह पाता हूं और दूसरे के सुख में सहयोग भी हो पाता हूं। कभी कभी लड़ाई हो जाती है तो मैं देखता हूं उस लड़ाई वाले को, अब देखने लगा हूं इसके अंदर ये क्या चल रहा है, और धीरे से कुछ हंस के कुछ बोल देते हैं तो उसमें बड़ा असर होता है। तो कई चीजों का इस पे मैंने प्रैक्टिकल किया और हर जगह पर ये प्रैक्टिकल बहुत सफल हुआ, है ना। यहीं से मैं स्वतंत्र और परतंत्र भी होता हूं, क्योंकि मैं अगर सही अर्थ देता हूं तो मैं हमेशा सुखी ही रहता हूं। स्टेप 6 की भी बात करूं कि मेरे यहीं पे अर्थ देने से ही, अगर मैं प्रतिक्रिया पूर्वक अर्थ देता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, और अगर मैं सही समझ के आधार पर अर्थ देता हूं तो मैं सुखी हो जाता हूं। तो ये एक स्पष्टता बनी है। एक महत्वपूर्ण स्पष्टता ये बनी है कि मैं शून्य में बना हुआ हूं, शरीर भी शून्य में बना हुआ है, और दोनों जो है के बीच में शून्य के माध्यम से ही इंट्रैक्शन भी हो रहा है। और हम जो है शून्य की भी अगर हम बात करें तो शून्य पर अभी मैं ये नहीं कह सकता कि मेरा बहुत गहरा ध्यान गया है, लेकिन इतना ध्यान जरूर गया है कि चैतन्य को मैं अलग देख पा रहा हूं। तो जैसे ही मैंने चैतन्य को अलग देखा तो वहां पर मुझे शून्य के रूप में ये दिखा कि मैं तो ऊर्जा संपन्न हूं, तो ज्ञान संपन्न हूं, ऊर्जा संपन्न हूं, संबंध संपन्न हूं, संपन्नता और भागीदारी संपन्नता, ये चारों चीजें मुझे जो है ये दिखी हैं कि ये शून्य को जैसे जैसे हम देखते हैं स्पेस है, तो स्पेस में मैं यूनिट के रूप में हूँ, चैतन्य के रूप में हूँ, और मेरी ऊर्जा आवश्यकताएं जो अभी लगता था कि बाहर से हो रही हैं, लगता था कि खाने पीने से हो रही हैं, वो अब लग रही हैं कि नहीं, तो अनवरत हैं, वो ऊर्जा के रूप में वो बनी ही हुई हैं। तो ये एक एक स्पष्टता उधर को गई है कि मैं शून्य में हूँ, शून्य में मैं बना हुआ हूँ, और सारी जो इकाइयां हैं वो भी शून्य में बनी हुई हैं। तो शून्य है, इकाइयां हैं, इकाइयां में भी जड़ इकाई और चैतन्य इकाई है, तो इसको भी हम अलग अलग करके देख पाते हैं। जैसे ही और इकाइयों का भी अध्ययन हुआ तो सब मैं इन परमाणु के रूप में किस प्रकार से ये जो है तीनों प्रकार के परमाणु, जीवन परमाणु, भौतिक परमाणु और रासायनिक परमाणु, किस प्रकार से कहाँ पे यौगिक क्रियाएं चल रही हैं, कहाँ पे ये सब चीजें चल रही हैं, तो उससे ये पूरी की पूरी जो सृष्टि है वो चल रही है। बीज कैसे जम रहे हैं, धर्म के रूप में सभी बने हुए हैं, नियम के रूप में सभी बने हुए हैं। तो यहाँ पर हमको नियम और घटना दोनों की भी एक स्पष्टता हमको बनी है। तो इतना मैं इधर देख पा रहा हूं। और अगर मैं ये बात करूं कि जो मेरे में समझ बनी है उसके आधार पर जो मैंने अपने में देखा है, उसको जब मैं लोगों के बीच में गया तो उसके भी बहुत अच्छे हर जगह पे उत्तर आए हैं। एक तो स्वयं में जैसे जैसे मेरे में स्पष्टता बनी है तो मैं और लोगों को भी के साथ मेरा व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया है, और मैं देखता हूं कि चाहे किसानों के पास हो, के साथ हो, गांव में हो, या जो संबंधी है उनमें हो, तो मैं ये भी देख पाया कि मेरे कुटुंब में अब एक UHV को लेकर के परिवार से परिवारों के रूप में इसका फैलाव बढ़ रहा है, और जो अपने में एक बहुत ही अच्छा कदम है, उससे मैं भी अपने में बहुत सुकून में हूँ कि जो मैंने फैलाया, जो सर के मार्गदर्शन में काम हुआ उसका एक रिजल्ट दिख रहा है। करीब 30 से 35 ऐसे परिवार निकल के आए हैं जो अब इस आधार पर जीने के लिए अपनी तैयारी, मन बनाना, सुबह की लिंक सुनना और इस सब में परिवार सहित लग गए हैं। तो
एक परिणाम ये आया है। दूसरा, किसानों में भी हम लोग देख रहे हैं कि सुखमयी खेती कैसे हो, सुख सहित या यूएचबी के प्रकाश में खेती का क्या स्वरूप हो, इसको लेकर भी करीब 30 परिवार निकले हैं। उनसे लगातार हम लोगों की परिवार सभाएं, संवाद प्रक्रियाएं चल रही। तो कुटुंब में काम हुआ है, किसानों में काम हुआ है, और जो यहाँ पर चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो और चाहे अन्य क्षेत्र हो, सभी में कुछ ना कुछ ये मैसेज जा रहा है। अगर मैं प्रकृति व्यवस्था के रूप में भी देखूं, तो यहाँ 10 बीघे में जो हमने सेंटर बनाया है, उस सेंटर में सभी अवस्थाओं को स्थापित करने का काम हम लोग कर रहे हैं। अरुणा जी पहले छतरपुर में रहती थी, लेकिन जैसे ही ये यहाँ आई हैं, तो एक परिवार का स्वरूप भी अब डेप्थ में जाने लगा है। बड़े बेटे की भी स्वीकृति बन गई है। तो स्वयं, परिवार, समाज में भी हम कुछ ना कुछ मैसेज भेज ही रहे हैं, नहीं, हम लोगों की समझ बनी है। और प्रकृति के साथ भी एक आवर्तनशीलता के आधार पर खेती का स्वरूप क्या हो, प्रकृति का स्वरूप क्या हो, और पेड़ पौधों की जानकारियों से लेकर अभी पोषण में किस प्रकार से पेड़ पौधे सहयोगी हैं, आयुर्वेद में किस प्रकार से सहयोगी हैं, इसका भी हम लोगों ने एक मॉडल बनाया हुआ है। प्रकृति जिस प्रकार से अभी लगातार डिस्ट्रॉय हो रही है हमारी नासमझी से, प्रकृति की ओर हम देखने का काम किस प्रकार से करें कि जिससे प्रकृति भी संरक्षण संवर्धन और सदुपयोग तीनों चीजें सुनिश्चित हो सकें, इसके लिए भी हम कुछ ना कुछ काम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कर रहे हैं। तो अभी तक की इतनी मेरी शेयरिंग है। सभी को नमस्ते। जी धन्यवाद भैया। समय को देखते अब हम शर्मिला दीदी को आमंत्रित करते हैं। दीदी आप भैया की शेयरिंग के लिए कमेंट्स रखेंगे। जी नमस्ते सभी को। नमस्ते भगवान जी, अरुणा जी, जी नमस्ते दीदी। नमस्ते। बहुत ही अच्छा लगा सबकी शेयरिंग सुन के। आपकी फैमिली शेयरिंग हर बार हम सुनते हैं, इस बार एटलीस्ट मुझे लगा कि बहुत अच्छे से डिटेल में सब स्टेप्स पे आपने बात की। अरुणा जी ने भी बहुत अच्छे से डिटेल में शेयरिंग रखी, और आप लोग अपने अंदर काम करते हुए बाहर भी इतना सब काम कर रहे हैं, उससे आई एम श्योर के सबको बहुत बहुत प्रेरणा मिलेगी कि एक परिवार में जब सिर्फ एक जना नहीं बट पूरा परिवार उस काम में लग जाता है तो वो कितना सारा बाहर भी सुधार कर पाते हैं। और जैसा कि अभी बात हो रही थी, आपने तो एक्चुअली जमीन पर इतना सब काम किया है, और वो सब आसान नहीं है कि ना ये पूरा मन बना लेना और ये पूरे अपने आप को और पूरे परिवार को इसमें लगा देना। अब तक हमने केवल अभ्युदय की शेयरिंग सुनी थी, आज एटलीस्ट मैं तो पहली बार अरुणोदय की भी शेयरिंग सुन रही हूँ, तो बहुत ही बढ़िया लगा कि अरुणोदय जी भी मतलब पढ़ाई करके अब इसमें वापस उन्होंने मन बना लिया है इसको और अच्छे से समझने के लिए। शुरुआत में बचपन में अक्सर होता है कि ना चीजें पेरेंट्स जब बताते हैं तो बच्चे मतलब उनका एग्जाम्पल देखते हुए उसमें लग जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं और उनका अपना अपने ओपिनियंस अपने आइडियाज और पुष्ट होते हैं तो फिर वो दिखता है कि अपनी समझ से या अपने मन से उस काम में जुटना और ना फिर से वापस लौटना उस पर और ध्यान देना ये बहुत बड़ी बात है। तो इससे भी बेटे अरुणोदय का जो ये सारा जो उनकी शेयरिंग थी उससे भी आई एम श्योर के बहुत सारे
साथियों को लगेगा कि ना ये प्रेरणादायक लगेगा कि हम भी अपने बच्चों को इन्वॉल्व कर सकते हैं इन सब प्रोसेसेस में, और बच्चे जैसे जैसे देखेंगे वैसे वैसे उनका भी मन बनेगा ही। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आगे के लिए भी। जी, एक्चुअल में हम लोग गणेश सर से हमेशा और दीदी से, अर्चना दीदी से हमेशा प्रेरणा पाते रहते हैं, और बिल्कुल बहुत प्रेरणा मिलती है, उसके मुकाबले हम बहुत कम कर पा रहे हैं। और अब तो जिस प्रकार से हमें ये पूरा परिवार मिला हुआ है, राजुल भैया, आप लोग, तो सबसे हम लोगों को कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती रहती है, और वो प्रेरणा हमको लगातार ये कह रही है कि नहीं, काम करने लायक कोई अगर है तो वो यही है। तो लक्ष्य की स्पष्टता होना, फिर वो काम होने ही लगता है। देर लगती है बहुत सी, आज जो जिस हिसाब से फिजिकल वर्ल्ड है उसमें हम लोगों ने बहुत सफर किया, लेकिन आज हर चीज के धीरे धीरे समाधान निकल रहे हैं, और लोग भी अब भागीदारी और सहयोग के लिए आगे आ रहे हैं। तो दीदी, गणेश सर का तो हमेशा ही प्रेरणा रहती है, वो अभी यहाँ आने वाले भी हैं, तो हम लोगों को जब इतनी अच्छी टीम मिली हो तो हमको तो हमेशा ऊर्जा मिलती ही रहती है। जी दीदी, जी, बढ़िया। हम सभी एक दूसरे से सीख रहे हैं, बहुत अच्छा। अभी अभ्युदय क्या पढ़ाई में होंगे शायद ना? अभी तो एक कोटा में है दीदी। अच्छा जी, और बाकी संगमित्रा अभी वो जो जिस दिन अरुणा जी की बहन की शेयरिंग होगी उस दिन शेयरिंग करेगी, वो अभी स्कूल गई थी। जी, ठीक, बढ़िया, बहुत अच्छा।